लिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में, जहां होली के बाद शीतला माता के 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। शीतला माता को गबरे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र स्थान हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल है। बताया जाता है कि यहाँ पर महाबली योद्धा तथा महाभारत युद्ध की महारथी पांडु पुत्र अर्जुन के पुत्र मणिपुर नरेश बबरू वाहन ने इस तपोत भूमि में घोर तपस्या करके श्री शीतला माता के साक्षात दर्शन किए थे तथा लोक कल्याणार्थ इस सिद्ध पीठ की स्थापना 5725 वर्ष पूर्व अपने कर कमालों द्वारा की थी। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के बाद से शुरू होकर 7 दिन चलने वाले इस मेले का समापन होता है। सब भक्तों की मुराद पूरी करती है बबरे वाली माँ शीतला माता। मुजफ्फरनगर शीतला माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मंदिर कमेटी ने की अभूतपूर्व व्यवस्था। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में, जहां होली के बाद शीतला माता के 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। शीतला माता को बबरे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति माता के दरबार से अपनी मनोकामना बिना पूर्ण कराए नहीं जाता। हर श्रद्धालु की मनोकामना माँ शीतला देवी पूरी करती है। यह पवित्र स्थान हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल है। बताया जाता है कि यहाँ महाबली योद्धा तथा महाभारत युद्ध के महारथी पांडु पुत्र अर्जुन के पुत्र मणिपुर नरेश बबरू वाहन ने इस तपोत भूमि में घोर तपस्या करके श्री शीतला माता के साक्षात दर्शन किए थे तथा लोक कल्याणार्थ इस सिद्ध पीठ की स्थापना 5725 वर्ष पूर्व अपने कर कमालों द्वारा की थी। दरबार की जय, शीतला माता की जय। ये हमारे यहाँ बच्चों के लिए चलता है, बच्चों की मनोकामना मांगने के लिए माने नहीं है, प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे। और ये सब होता बच्चों के लिए है। ये आज भी चल रहा, कल भी चल रहा, परसों भी चल रहा है। सोमवार के दिन भंडारा है यहाँ पे, आप लोगों का सबका स्वागत है। सब आई और भी बहुत सारी कामनाएं हैं।
मैं जयमा का भी कहूँगा आप लोगों को, लेकिन यह प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अपने आते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है। ये लगभग 3 दिन तक और चलेगा मेरा, और ये जिस दिन होली होती है उस दिन के 8वें दिन से शुरू होता है, 8वें दिन से और 3 दिन तक चलता है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, संख्या में आते हैं और जिस दिन मनोकामना पूरी होती है वो दूसरे लोग भी अपने स्तर। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के बाद से शुरू होकर 7 दिन चलने वाले इस मेले का समापन होता है। मेले का शुभारंभ कस्बा मीरापुर से झंडा यात्रा निकालकर किया जाता है। इस दौरान 7 दिन तक माता के दर्शन कर श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते हैं और माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे माता की आरती की जाती है और समापन से 1 दिन पूर्व ब्रह्म भोज एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मेले के आयोजन में मंदिर की प्रबंधक समिति का विशेष योगदान रहता है। मेले के आयोजन में अनिरुद्ध शारदा, मनोज शारदा, मंजू शारदा, राम बहादुर तोमर आदि अपने लगभग 100 वॉलेंटियर के साथ रात दिन मेले के आयोजन में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग काफिल पैच पुलिस प्रशासन का भी सहयोग काबिले तारीफ रहा। नमस्कार जी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं माँ शीतला माता के मंदिर में। मंदिर की अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका शुभनाम? मैं मंदिर की अध्यक्ष हूँ, मंदिर के अध्यक्ष अनिल शारदा हैं, मंत्री हैं और अध्यक्ष कोई और है सर, उनका नाम मुझे याद नहीं है। मैं हाँ, मेरा नाम सरिता साहब है। सरिता शारदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि शीतला माता का मंदिर का मेले का आयोजन हुआ है, कितने दिन से मेले का आयोजन हुआ? मेरे जन्म से पहले ये शुरू हो चुका है, पता नहीं कितने हजार साल पहले, लेकिन हमने जब से जन्म लिया है तब से हम इस मंदिर पे आते रहे हैं। और हमारे सामने रघुवीर सौर भैया जी थे, उन्होंने हमें इसमें लगाया था आरती वगैरह करने का, कि आरती मेरे साथ तुम लोग भी गाओगे। तब से हमने अपना आरती वगैरह करना शुरू कर दी थी और हमारे परिवार से हमारे पापा जी को खुद शीतला माता ने आके किसी के सर पे आके और बोला था कि तुम्हें मेरी सेवा करनी है। तभी से हमारे पापा जी इस मंदिर में आना शुरू हुए थे। पहले तो एक क्षण के लिए आते थे प्रसाद करके दर्शन करने, उसके बाद सेवा में माता जी ने ऐसा लगाया कि उन्होंने आजीवन अपनी सेवा कार्यकाल जितना भी था अपना जीवन का सब माता जी के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा जाते हैं कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है, लोग जो यहाँ पर अपनी मन्नतें लेके आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। हाँ, इस मंदिर की मान्यता हजारों साल पहले से है। शीतला माता को इंडिया में वैसे सभी मानते हैं, पर बबरे वाली माता जी शीतला माता के रूप में विख्यात है और पूरे इंडिया से दूर दूर से यहाँ चढ़ाने आते हैं प्रसाद। कलकत्ता, मसूर, हैदराबाद, मतलब हर कोने से यहाँ कोई ना कोई आता है हर साल प्रसाद चढ़ाने। मंदिर में जो माताएं होती हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र की भी कामनाएं करती हैं। ये मेला होता ही बच्चों के लिए है, इसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है सब अपने बच्चों के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं और बच्चों के लिए ही शीतला माता को माना जाता है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्टार्ट सर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मीरापुर बिजनौर बाईपास शिवपीठ माँ शीतला देवी के मंदिर पर, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से ऐतिहासिक मेला लगा हुआ है। मान्यता है कि होली के ठीक 7 दिन बाद यहाँ पर विधि विधान से मेले का आयोजन होता है और माताएं अपने बच्चों के लिए यहाँ पर अपनी लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ पर मनोकामना मांगने आती हैं और माँ शीतला देवी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस मंदिर के
इस भव्य मेले के आयोजन में यहाँ पर जो मेले की देखरेख कर रहे हैं, मंदिर की काफी लंबे समय से देखरेख कर रहे हैं, अनिरुद्ध शारदा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ के इस कमेटी के मंत्री भी हैं और जिनकी कुशल निर्देशन में एक भव्य मेले का आयोजन यहाँ पर होता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं। अनिरुद्ध जी, यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार मेला चल रहा है, कितने लोग अब तक यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन कर चुके हैं? अब तक 1 लाख से, जो कोरोना की महामारी चल रही है उसके बावजूद भी 1 लाख लोगों ने यहाँ पर माँ भगवती के दर्शन किए हैं। पिछले साल भी माँ भगवती के मेले के तुरंत बाद कोरोना लगा था, लेकिन महामारी की इतना गुणगान रहा, इतना प्रभाव रहा कि जितने भी मेले में आए वो इस सब बीमारी से बिल्कुल भी बच के रहे। इस तरह का जो भव्य आयोजन आप लोग करते हैं, उसमें किस किस तरह का आयोजन आपके यहाँ शुरू से लेके आगे तक होगा? हमारा मेला गत वर्षों की बात ही, इस वर्ष भी 1 अप्रैल से शुरू होकर 7 अप्रैल तक रहेगा। 2 अप्रैल को मीरापुर से झंडा लेकर आते हैं, तब से शुभ मेला शुरू हो जाता है और 3, 4, 5 का सप्तमी अष्टमी नवमी का प्रसाद है और उसके बाद 6 तारीख का ब्रह्मभोज है। ब्रह्मभोज के बाद मेले का समापन 7 तारीख को हो जाएगा। सभी भक्तों की कोशिशें रहती है कि मेला सफल हो और हर प्रकार से हर तरह का सहयोग प्राप्त होता है। हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं वो अभी भी दिन रात मेले की प्रगति के लिए तैयार रहते हैं। मेरे में से लाखों लोग आया हुआ है, इसमें शासन और प्रशासन आप शासन प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिलता है। यहाँ तक कि हमारे जिले के मंत्री भी इस मेले में अत्यधिक विश्वास रखते हैं और कोऑपरेट करते हैं। और कोई विशेष बात इस मेले के बारे में आप बताएंगे? देखिए, पिछले साल मेला लगा था, मेले के तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया, काफी तादाद में मेले में जो यहाँ पर आए हुए थे झूला झूले वाले या और बाजार वाले बहुत दूर दूर से आए हुए थे, वो सब लोग ही रुके। और आपके द्वारा जहाँ तक मेरे को याद है, हमारी टीम ने उसमें भी एक अच्छी कवरेज यहाँ पे करी थी कि आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से उनको सुबह शाम का भोजन भी दिया गया, उनकी रुकने की व्यवस्था भी की गई। यह सब गांव वालों की, मंदिर कमेटी की और हमारे जो आसपास के गांव हैं उनकी मेहरबानी है कि हम उनकी व्यवस्था बना सके। और सबसे बड़ा आशीर्वाद माता का है कि माता के प्रांगण में किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई लॉकडाउन के अंदर। वह आदमी यहां पर लगातार 10 महीने रहे और शिवरात्रि पर वह यहां से ऋषिकेश गए थे और आज मेले में झूला लगाने के लिए वापस आ गए। हट जाबे गुब्बारे। कल तो जाओ औरन पे हाथ रख के।